जीत आपकी, जिसके लेखक हैं शिव खेरा। आप सुन रहे हैं फ्री बुक हब। अगर अब तक आपने पीछे के पार्ट नहीं सुने हैं तो प्लीज़ उनको प्लेलिस्ट में जाके सुन सकते हैं या ऊपर आई बटन पे भी जाके सुन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। कुछ लोग हमेशा नकारात्मक पहलू को देखते हैं। सम पीपल विल ऑलवेज लुक फॉर द नेगेटिव। नकारात्मक नज़रिए वाले लोग हमेशा नुक्स निकालते हैं। नेगेटिव पीपल विल ऑलवेज क्रिटिसाइज। कुछ लोग हर चीज़ में नुक्स निकालते हैं। कोई काम भले ही बहुत अच्छी तरह किया गया हो पर उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों ने नुक्स निकालने को ही अपना पेशा बना लिया है। वे पेशेवर आलोचक हैं। वे इस तरह नुक्ताचीनी करते हैं जैसे कि उन्हें इसके लिए किसी प्रतियोगिता में इनाम मिलने वाला हो। वे हर एक इंसान में और हर एक हालत में कोई ना कोई नुक्स ढूंढ ही निकालेंगे। हमें ऐसे लोग हर दफ्तर और हर परिवार में मिल जाएंगे। वे चारों ओर कमियां ढूंढते और यह बताते फिरते हैं कि चीज़ें कितनी बुरी हैं। वे अपनी समस्याओं के लिए पूरी दुनिया को दोषी मानते हैं। ये लोग दूसरों के जोश पर पानी फेर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक नाम है। ये लोग ताकत को चूसने वाले कहलाते हैं। ऐसे लोग कैफेटेरिया में जाकर बीसियों कप चाय पियेंगे, सिगरेट के लंबे लंबे कस खींचेंगे और सब करने का उनके पास एक केवल बहाना रहता है कि वे अपना तनाव दूर कर रहे हैं। हकीकत यह है कि ऐसा करके वे खुद के लिए और दूसरों के लिए तनाव और बढ़ा देते हैं। वे प्लेग की बीमारी की तरह हर तरफ मायूसी का पैगाम फैलाते हैं और ऐसा माहौल पैदा करते हैं जिसके नतीजे बुरे या गलत हों। रॉबर्ट फुल्टन ने स्टीम बोट के आविष्कार की हडसन नदी के किनारे उन्होंने उसका प्रदर्शन किया। उसे देखने के लिए जमा हुई भीड़ में कुछ निराशावादी और सक्की मिजाज के लोग भी शामिल थे। उन लोगों ने मजाकिया लिहाजे में बोला कि यह बोट कभी चालू ही नहीं होगी। जब बोट चालू होकर नदी में आगे बढ़ने लगी तो जिन लोगों ने कहा था कि वह चालू नहीं होगी वही लोग फौरन चिल्लाने लगे कि बोट अब कभी नहीं रुकेगी। यह भी क्या नजरिया है। अगर आपने अभी तक फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। एक शिकारी ने चिड़िया को पकड़ने वाला एक अद्भुत कुत्ता खरीदा। वह कुत्ता पानी पर चल सकता था। शिकारी वह कुत्ता अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था। उसे इस बात की बड़ी खुशी थी कि वह अपने दोस्तों को यह काबिले गौर चीज़ दिखा पाएगा। उसने अपने एक दोस्त को बतख का शिकार दिखाने के लिए बुलाया। कुछ देर में उन्होंने कई बतखों को बंदूक से मार गिराया। उसके बाद उस आदमी ने कुत्ते को उन चिड़ियों को लाने का हुक्म दिया। कुत्ता चिड़ियों को लाने के लिए दौड़ पड़ा। उस आदमी को उम्मीद थी कि उसका दोस्त कुत्ते के बारे में कुछ कहेगा या उसकी तारीफ करेगा, लेकिन उसका दोस्त कुछ नहीं बोला। घर लौटते समय उसने अपने दोस्त से पूछा कि क्या उसने कुत्ते में कोई खास बात देखी। दोस्त ने जवाब दिया, हाँ मैंने उसमें एक खास बात देखी, तुम्हारा कुत्ता तैर नहीं सकता। कुछ लोग हमेशा नकारात्मक पहलू को देखते हैं। निराशावादी किसे कहते हैं? निराशावादी लोगों के ये लक्षण होते हैं। अरे अभी तक आपने फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। कुछ लोग हमेशा नकारात्मक पहलू को ही देखते हैं। निराशावादी किसे कहते हैं? निराशावादी लोगों के लक्षण होते हैं। जैसे पहला, जब चर्चा करने के लिए उनके पास कोई तकलीफ नहीं होती तो वे नाखुश रहते हैं। अगला, जब कुछ अच्छा लगता है तो वह ये सोच कर नाखुश हो जाते हैं कि बेहतर महसूस करने के बाद उन्हें फिर से बदतर महसूस करना होगा। अगला, उनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त शिकायतें काउंटरों पर बीतता है। अगला, हमेशा बत्ती बुझाकर देखना चाहते हैं कि अंधेरा कितना है। अगला, वे जिंदगी के आईने में हमेशा दरारें तलाशते हैं। अगला, यह सुन लेने पर कि किसी और जगह की तुलना में बिस्तर पर ज़्यादा लोगों की मौत होती है, वे बिस्तर पर सोना ही छोड़ देते हैं। अगला, वे इस आदेश की वजह से अपनी सेहत का मजा नहीं ले पाते कि कल वे बीमार पड़ सकते हैं। अगला, वे बदतर नतीजों के बारे में सोचते भर भी नहीं बल्कि हर घटना को बदतर बना भी देते हैं। अगला, वे चांद में केवल धब्बे ही देखते हैं। अगला, वे मानते हैं कि सूरज केवल परछाइयां पैदा करने के लिए चमकता है।
अगला वे सहूलियतों को भूलकर केवल अपनी दिक्कतें गिनाते हैं। अगला वे जानते हैं कि कड़ी मेहनत से किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, पर सोचते हैं कि कोई खतरा क्यों उठाया जाए। चेतावनी, अच्छे पहलू पर ध्यान देने का यह मतलब नहीं कि कमियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए। मैं आशा करता हूँ कि अब तक आपने फ्री बुक हब को सब्सक्राइब कर लिया होगा। धन्यवाद। आशावादी बनिए, बी एन ऑप्टिमिस्ट। कोई आदमी आशावादी कैसे बन सकता है? नीचे लिखी लाइनों में यह बात बहुत अच्छी तरह बताई गई है। इतने मजबूत बनिए कि आपके मन की शांति को कोई भंग ना कर सके। हर मिलने वाले आदमी से सेहत, खुशी, समृद्धि के बारे में बात करें। अपने सभी दोस्तों को एहसास कराएं कि हम उनकी खूबियों और मजबूतियों की कदर करते हैं। हर चीज़ के केवल अच्छे पहलू को देखें। केवल अच्छी से अच्छी बातें सोचें। केवल अच्छे से अच्छे नतीजों के लिए काम करें और केवल अच्छे से अच्छे नतीजे की उम्मीद करें। बीते दिनों की गलतियों को भूल जाएं और आने वाले दिनों में ज़्यादा बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए आगे बढ़ें। हर आदमी का मुस्कुराकर स्वागत करें। अपने को बेहतर बनाने में इतना वक्त लगाएं कि दूसरों की आलोचना करने के लिए आपके पास वक्त ही ना बचे। इतने बड़े बने कि चिंता छू ना सके और इतने अच्छे बने कि गुस्सा आए ही नहीं। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा दूसरा कदम, हर काम फौरन करने की आदत डालें। अगर आपको ये बुक फ्री में चाहिए तो हमारे पेज पर DM कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और बुक की प्लेलिस्ट के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर करें। फ्री बुक हब सुनने के लिए धन्यवाद।